हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री, थर्ड चैप्टर का। हम क्लास टेन ज्योग्राफी के चैप्टर थ्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और दो पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज लास्ट और थर्ड पार्ट है। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सलाल डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? रावी रिवर, सतलुज, ब्यास या फिर चेनाब। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज चेनाब। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, उसके रीसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डैम लोकेटेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की कौन सी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, बनाई गई थी? ऑप्शन है भोपाल लेक, रेणुका लेक, गोविंद सागर लेक या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज भोपाल लेक। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग प्राउडली प्रोक्लेम द डैम एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा था कि डैम जो है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज नॉट एनी मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। कौन सी ऐसी नदी है जिसके ऊपर कोई भी मल्टीपर्पज डैम जो है वो नहीं बनाया गया है? मल्टीपर्पज डैम कौन से होते हैं जिनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इरीगेशन के लिए यूज होते हैं, फ्लड को रोकने के लिए यूज होते हैं? दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज डैम। ठीक है, तो कौन सी नदी है जिसके ऊपर मल्टीपर्पज डैम नहीं बना है? ऑप्शन देख लेते हैं, सतलुज, यमुना, महानदी या फिर नर्मदा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज यमुना। सतलुज के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है, नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम और महानदी जो है उसके ऊपर आई थिंक जो हीरा कुंड प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। ठीक है, तो यमुना रिवर है जिसके ऊपर अभी तक कोई मल्टीपर्पज डैम जो है वो नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अर्लियर नोन एज द रिवर ऑफ सौरो। किसको रिवर ऑफ सौरो के नाम से जाना जाता था? दुखों की नदी। ठीक है, ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, चंबल या फिर दामोदर। सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज दामोदर। दामोदर जो है ये कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड एक्चुअली क्यों इसको रिवर ऑफ सौरो कहा जाता था? क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती थी इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल के, हुगली, हावड़ा, ठीक है, ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान होता था, इसीलिए इसको रिवर ऑफ सौरो के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, Which of the following states are involved in कृष्णा गोदावरी dispute? कृष्णा गोदावरी dispute में कौन सी states जो है involved है? पहले options देख लेते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका and all of the above। तो सही answer है all of the above। Actually ये जो कृष्णा गोदावरी जो dispute है ये किसने उठाया है, किसने जो है ये रेज किया है? तो जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका government है उन्होंने जो है ये जो डिस्प्यूट है, ये जो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन जो है वो रेज की है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे रिवर है कोयना। कोयना रिवर जो है वो कृष्णा की क्या है? ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो कोयना रिवर जो है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, सातारा डिस्ट्रिक्ट के महाबलेश्वर से निकलती है। तो कोयना जो है बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। तो कोयना के ऊपर जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसकी वजह से पानी को रोक लिया गया है और जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसके जो सारे बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। इसी वजह से जो है ये ऑब्जेक्शंस रेज की हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, वट इज इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। मतलब एक साल में एक आदमी के लिए कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है, कितना उसके लिए पानी पर उपलब्ध है, उस हिसाब से इंडिया की रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड में कितनी है? ऑप्शन है 130, 133, 135, 105। सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 133। मतलब बहुत नीचे है इसकी रैंकिंग। इंडिया जो है 4% प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है टोटल वर्ल्ड की, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है पानी का गिरना, चाहे वो स्नो के रूप में गिरे या पानी के रूप में या बारिश के रूप में या फिर ओले के रूप में, तो जिस हिसाब से भी प्रेसिपिटेशन होती है उसका 4% जो है वो इंडिया रिसीव करता है। इतनी प्रेसिपिटेशन होने के बावजूद इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है पानी जो है उसको, जो रेन वाटर है उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, दैट इज वाई जो है पानी की उपलब्धता जो है वो इतनी कम है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश इन 14th सेंचुरी फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता था पानी को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था, तो वाटर स्ट्रक्चर बनाया था ताकि सीरी फोर्ट जो है वो उसके लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो ये कब कौन सा ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था? ऑप्शंस है हौज खास, भोपाल लेक, नागार्जुना कोंडा या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हौज खास। ये इल्तुतमिश ने बनाया था 14वीं शताब्दी में ताकि सीरी फोर्ट एरिया के लिए पानी जो है वो सप्लाई किया जा सके। तो इसमें से किसी भी तरह को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हौज खास जो है वो किस लिए बनाया गया था, पानी कहाँ के लिए सप्लाई करना था, या फिर हौज खास किसने बनाया था, ठीक है, और कब बनवाया गया था। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। कौन सी ऐसी वैली है जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दून वैली, द कश्मीर वैली, द सोलांग वैली एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द कश्मीर वैली। द कश्मीर वैली इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is one of the reasons for criticism of multi-purpose river valley project? जो multi-purpose river valley project हैं, उनका criticism होता है, तो हमारे पास दो options दी गई हैं, हमें बताना है कौन सा एक reason है multi-purpose river valley project के criticism का, उनका विरोध क्यों होता है, तो उसका कौन सा एक reason है? Options हैं, they create hydroelectricity। तो क्या इसका मतलब है कि हमें multi-purpose river valley project का criticism करना है? बिल्कुल ही, hydroelectricity produce कराते हैं, तो ये तो फेवर में है, ठीक है। दूसरा है दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना, तो ये भी एक फेवर है। नेक्स्ट इज दे प्रिवेंट फ्लड्स, ये फ्लड्स को रोकते हैं, तो ये भी एक फेवर है, इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म। एंड द लास्ट वन इज दे आर द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। जहाँ पे रिवर वैली प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाता है, तो ये एक रीजन है क्रिटिसिज्म का, क्योंकि उनको डिस्प्लेस किया जाता है, उन लोगों के घर छीन जाते हैं, उनके रोजगार छीन जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज ए बिग क्रिटिसिज्म, इट इज अ रीजन फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, क्योंकि फायदा जो है उनको इस रिवर वैली प्रोजेक्ट का बिल्कुल, यहाँ बोल सकते हैं, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट इज टेहरी डैम इज बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। टेहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? टेहरी डैम कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। कौन सी नदी के ऊपर बना है? गंगा, सतलुज, भागीरथी या फिर कृष्णा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भागीरथी। नेक्स्ट इज इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू। वेस्टर्न राजस्थान में आज बहुत पानी जो है वो उपलब्ध है, किसकी वजह से? रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, पेरेनियल राजस्थान कनाल, कनाल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टंकास या फिर नन ऑफ द अबव। तो कुछ लोग जो है ऑप्शन ए इसका राइट करेंगे कि रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग होती है राजस्थान में, ये पहले ज्यादा होती थी, पर अब ऑप्शन बी का सही है, पेरेनियल राजस्थान कनाल। पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है जिसमें साल के 12 के 12 महीने पानी रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरेनियल। तो राजस्थान कनाल जो है उसमें पानी की पेरेनियल, मतलब पेरेनियल होने के कारण, उसमें पानी रहने के कारण जो है लोग अब जो है वाटर हार्वेस्टिंग कम कर रहे हैं और कनाल के ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है। राजस्थान कनाल को इंदिरा गांधी कनाल के रूप से जाना जाता है एंड इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। कौन सी एक पेनिनसुलर इंडिया की एक मेजर रिवर है? पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है? पेनिनसुलर मतलब लैंड का ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का जो मैप है उस हिसाब से देखें तो जो लोअर पार्ट है कुछ इस तरह का है, इस तरफ से अरेबियन सी है और इस तरफ से क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये क्या है, पानी से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर। तो यहाँ पे कौन सी नदियां पाई जाती हैं? तो मतलब नॉर्दर्न रिवर्स को छोड़ के जो सेंट्रल और साउथ की जो रिवर्स हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सी है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, नर्मदा या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, उड़ीसा से होते हुए। नेक्स्ट है कृष्णा, कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, वो भी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर से, वो भी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। और जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटका से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ। और जो नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल हाईलैंड, मतलब
मध्य प्रदेश से निकलते हुए अरेबियन सी की तरफ जाती है, और नर्मदा के साथ तापी रिवर है वो भी अरेबियन सी की तरफ जाती है। तो ये सारी ही रिवर्स कौन सी हैं, पेनिनसुलर इंडिया की मेजर रिवर्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, कौन सी रिवर गंगा की एक ट्राइब्यूटरी है। ऑप्शन है घाघरा, गंडक, या फिर कोसी एंड चंबल, या फिर गोमती एंड तीस्ता, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ये सारी ही जो है वो रिवर गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा मैप से इसको डिस्कस कर लेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 14 को फिर से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुलार्ड लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। बुलार्ड लेक जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार एंड पौंडीचेरी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन। 14 को एक बार फिर से हम अगर आप मैप से फटाफट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो इस तरह पे अगर आप देखें कि क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है और कौन सी गंगा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये है रिवर गंगा। ठीक है, तो इस तरफ से जो ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं दैट आर कॉल्ड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और इस तरफ से नीचे की तरफ से जो ट्राइब्यूटरीज आ रही हैं दीज आर कॉल्ड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो कौन कौन सी हैं, जैसे ये है शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी या गोमती, दीज आर कॉल्ड लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और जो नीचे से जा रही है सेंटर की तरफ से, चंबल, बेटवा, तामसा, सन, दामोदर, ये सारी क्या है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अब क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रिवर गंगा की कौन सी ऐसी ट्राइब्यूटरी है जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज पता हो तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं हिमालय से कौन कौन सी निकल रही है, जैसे शारदा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है और कोसी है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को इस तरह से पूछे हैं कि कौन से लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है जो हिमालय से निकलती है। क्योंकि अगर हम यमुना की बात करें, यमुना जो है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है रिवर गंगा की, यमुना जो है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और ये भी कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूटरी जो है वो कौन सी कहाँ से आ रही है। तो ये थे 15 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।